फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर में कितना अच्छा लग रहा है। इस लॉन में कितना अच्छा लगेगा ना कि यहाँ अगर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के इस अमृत उद्यान व्लॉग में, और मैं हूं आपका अपना होस्ट घुमक्कड़ जोशी। तो चलिए, मैंने सुना है कि इस बार अमृत उद्यान जो खुला है समर में सेकेंड बार खुला है, और इसी टाइम मेरे को सुनने में ये भी बात आई है कि यहाँ दो नए गार्डन हो गए हैं। तो मैं चलता हूँ अंदर और आप लोगों को भी साथ में एक्सप्लोर कराता हूँ। के टाइम पे जब मैं यहाँ आया था ना दोस्तों, तो उस समय पानी की सुविधा नहीं थी, जो आप देखो ये सुविधा कर दी है। लेकिन पानी इतना चिल्ड है ना, गला खराब कर देगा। पार्कों को देखने में तो अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम पे तब यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा था कि यहाँ पे छोटी सी कैरी बना रखी थी जिसमें फूल वगैरह उगा रखे थे। अब इस बार पूरा गार्डन बना दिया है। अगर आप लोग पहले आए होंगे ना, तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि स्टार्टिंग में जब हम एंट्री करते थे ना, तो एंट्री करते ही बच्चों का प्लेग्राउंड हुआ करता था। इस बच्चों के प्लेग्राउंड के बाद अभी क्या नया ऐड ऑन करा है कि ये एक एंट्रेंस बना दिया, जहाँ पे साइड बाय साइड ना गमले लगा दिए छोटे प्लास्टिक के, और यहाँ देखो एक यहाँ बना दिया है। अब यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या कर रखी है कि यहाँ बैठ के ना अच्छे से फोटो शूट हो सकती है। और देखो यहाँ सब कर भी वही रहे हैं। अब जब आप लोग अगर अमृत उद्यान आ गए हो, तो उसके बाद आप लोग तो ज़रूर चाहोगे कि इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो लगाई जाए, और साथ में लोगों को अपडेट करा अपने दोस्तों को कि मैं अमृत उद्यान आ चुका हूँ। तो देखो यहाँ ना एक सेल्फी पॉइंट भी बना रखा है, जहाँ सभी खड़े होकर अपने अच्छे से फोटो क्लिक करा रहे हैं। तो उसके बाद एक मैं भी अपनी फोटो क्लिक कराऊंगा। चलो अब साइन को फॉलो करते हैं और देखते हैं हर्बल गार्डन। दोस्तों सच में बहुत कुछ बदल गया है। जहाँ पहले मैं बहुत घूम के आना पड़ता था इस हर्बल गार्डन के लिए, इस रोड से घूम के वहाँ से एंट्री करते थे, लेकिन अभी क्या करा इन लोगों ने, समय बचाने के लिए सामने से जो गेट देख रहे हो वहाँ से एंट्री खोल दिया है, ताकि जो इतना लंबा चलना पड़ता था वो शॉर्ट हो गया। अब डायरेक्ट हर्बल गार्डन की एंट्री हो जाती है। और यहाँ से सामने मेरे को दिख रहा है फाउंटेन। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं साथ में, देखते देखते कि क्या क्या है ऐसा देखने का यहाँ पर। फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे सफ़ेद कलर के। हर्बल गार्डन के बाद अब चलते हैं यहाँ से सीधा बोनसाई पेड़ देखने के लिए। और बोनसाई बेसिकली क्या है, जापानीज़ की कारीगरी है, जो कि एक बड़े पेड़ को छोटे रूप में बना देते हैं, और दिखता वैसा ही है, और उसमें होने वाले फल जितने हैं वो भी उसी साइज़ के होते हैं जो नेचुरल साइज़ होता है। चलो चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, और हो सकता है गाइडेंस भी ले लेंगे थोड़ा बहुत, ये लोग बता भी देंगे कैसे कैसे क्या है। तो देखने के लिए क्या क्या है पहले, अच्छे बंदरों ने हल्ला मचा दिया वहाँ, देखो बंदरों ने अल्लाह मचा दिया पूरा। अब जैसे यहाँ आते हैं, देखो फीकस की बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारी। भाई यहाँ मैं तो आ गया, अगर मेरी वीडियो देख के कोई आ रहा है ना, तो कोशिश करना कि भाई यहाँ आते टाइम पानी की बोतल ज़रूर लेके आना, और साथ में एक काम करके आना, घर से ना कोई बड़ी सी चादर लेके आना जिससे पसीना पोंछ सको, क्योंकि यहाँ बुरा हाल हो जाता है भाई। लड़के तो लड़के, लड़कियों का भी बुरा हाल है। चलो अब यहाँ से चलते हैं फाउंटेन की तरफ। इस बार जैसे ही लोगों को पता चला ना कि अमृत उद्यान फिर से गर्मियों में खुल रहा है, तो विभिन्न राज्यों के नागरिक यहाँ आके दर्शन करने पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये देखो, और सामने फाउंटेन जो चल रहा है, म्यूजिकल फाउंटेन बोलते हैं। मैं इसके बाद आपको उस तरफ से दिखाऊंगा जहाँ से रेनबो बनता है, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को दिखाया था। मैंने कल सुना था कि बारिश हुई है बहुत अच्छी, दो दिन पहले भी बारिश हुई है, पर जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ ना, सूर्यदेव को पता नहीं क्या जाति दुश्मनी है कि इतनी गर्मी कर देते हैं कि मेरा बुरा हाल हो जाता है, मेरा व्लॉग नहीं बन पाता अच्छे से। ये छोटे छोटे जो आपके दिख रहे हैं ना, ये पता नहीं क्या संतरे हैं क्या हैं, पर लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी कम हो गए हैं, लेकिन पिछले बार यानी कि लास्ट टाइम जब आया था तब बहुत अच्छा था देखने में। चलो अब आपको सीधा दिखाते हैं। फोटोशूट के लिए ये जगह सबसे अच्छी रहेगी, अगर आप लोग आते हो कभी वीडियो देखने के बाद, तो यहाँ खड़े होकर अगर आप फोटो लेते हो तो बहुत अच्छी आएगी, और आपकी इस बहाने डीपी भी चेंज हो जाएगी जो पिछले एक साल से लगी पड़ी है। यहाँ कुछ पार्ट ना बंद कर दिए गए हैं, कुछ जगह पे क्या कर रखा है कि बैरिकेटिंग टाइप में कर रखी है, रिबन लगा रखा है कि आप लोग नहीं जा सकते, और मैं वहाँ से क्रॉस करके यहाँ आ चुका हूँ। जो मुझे सही लगा ना देखने में दोस्तों, यहाँ से जो सेंटर में ये पार्ट आप देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं कलर में, ये पेड़ में जितने भी छोटे फूल वगैरह आए थे ये भी एकदम सूख चुके हैं पूरा।
और उसी गर्मी से देखो हम लोगों का भी बहुत बुरा हाल है एकदम। इस उम्मीद पर चल रहे हैं थोड़ा आगे कि पानी मिल जाए तो थोड़ा गले को राहत मिल जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ आते हो तो पानी की बोतल ज़रूर लेके आना, जो कि पहले प्रोहिबिटेड थी कि आप लोग नहीं ला सकते हो, लेकिन इस बार अगर आप आते हो तो पानी की बोतल ज़रूर रखो, क्योंकि दिन के टाइम आओगे ना तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है जब आप लोग एक्सप्लोर करोगे यहाँ पूरा। ये लॉन कितना प्यारा लग रहा है देखने में, कि यहाँ येलो कलर का और गेंदे के फूल से बनाया वो जो एक तरह से रंगोली कह सकते हो आप। अच्छा आपको भी दिखाऊं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस लॉन में कितना अच्छा लगेगा ना कि यहाँ अगर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो कितना मज़ा आएगा, पर क्या करें सिक्योरिटी इतनी अलाउ नहीं है। तो चलते हैं देखने की अगर बात करो ना दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही प्यारी जगह है कि आपको इतने अच्छे अच्छे फूल देखने के लिए मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो इससे पहले आपने या तो मूवीज़ में देखे होंगे या किसी टीवी शोज़ में देखे होंगे या फिर आप गूगल वगैरह पर सर्च करके वीडियोज़ फ़ोटोज़ में देखते होंगे। अब मैं ठीक इसके सामने पहुँच चुका हूँ, यहाँ मैं अभी देखता हूँ कुछ फ़ोटो क्लिक कराने का। 15 मिनट के पोज देने के बाद मैंने एक भाई को पकड़ के फोटो क्लिक करवाई है और ये भाई लोग देखो सारे ग्रुप में आए और ये भाई है जिन्होंने फोटो, जल्दी बताओ प्रमोशन कर रहा आपके चैनल, वो बताओ क्या नाम है, आईडी बताओ, अभी मिलेंगे आपको फॉलोअर्स, सारी लड़कियाँ आएंगी, लड़कियाँ आएंगी तो इसका बताओ, सबको मिलेगी। गर्मी लग रही है आप लोगों को बहुत ज़्यादा। अच्छा अगर किसी को कहना चाहो कि यहाँ दिन के टाइम आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या कहोगे? नहीं आए दिन के टाइम बिल्कुल भी नहीं। बोतलें लाओ, पानी की बोतलें ले आओ, उसमें भी खारा पानी मिलेगा, उसमें भी खारा पानी मिलेगा। और यहाँ से देखो अब मैं एक पूरा सर्कल लेके आ चुका हूँ वहाँ से, राइट। अब मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा आगे और आने वाला है एक रोज़ गार्डन जहाँ पे अलग अलग टाइप के मेरे को रोज़ मिलने वाले देखने को। गार्डन में अंदर एंट्री करने के बाद ही ना सबसे प्यारा देखो ये फूल कलर कितना अच्छा लग रहा है, पर लेकिन परेशानी यही है कि जिस हिसाब से गर्मी अभी पड़ रही है अगस्त के महीने में तो मेरे को अभी फूल देखने को यहाँ नहीं मिलने वाले, अगर मिलेंगे तो इक्के दुक्के ही मिलेंगे। अगर आप लोग भी विजिट करते हो तो आप लोग को भी ज़्यादा नहीं दिखने वाले। अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक यहाँ बने हुए और आप यहाँ तक पहुँच चुके तो वीडियो को जल्दी से दोस्तों लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। ये देखो आप लोगों के लिए ही मेहनत होती है कि मैं जहाँ भी जाके एक्सप्लोर करके चीज़ें दिखा रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे, ताकि आप लोगों को अपने घर से बाहर ना निकलना पड़े और आप लोग अच्छे से घर बैठे बैठे इन्जॉय कर सकें विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मनी। बस करना क्या है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। तो अब मैं पहुंच गया हूं राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के सेंटर अट्रैक्शन पॉइंट पे, जहां बिल्कुल सेंटर पे बना हुआ है, यहां पे एक फाउंटेन बना हुआ है और इतना बड़ा बना रखा है ना भाई उसको, बहुत अच्छे स्पेस में है जहां साइड बाय साइड फूल बना रखे हैं। और देखो अगर मैं बात करूँ कौन से हैं तो देखो यहाँ स्कैन करने का भी ऑप्शन है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना कि दोस्त यहाँ आना चाहिए मकर जोशी या नहीं, तो मैं कहूँगा देखो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ज़रूर आओ, क्योंकि आपके लिए नया एक्सपीरियंस रहेगा। पर लेकिन अगर आप आ चुके हो और अगर आप दूसरी बार दोबारा आना चाहते हो तो मैं कहूँगा अगस्त में बिल्कुल मत आना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। इस गर्मी में ऐसा हाल हो जाता है कि देखो मैं पूरा भीग चुका हूँ पसीने में, तो आप समझ चुके होंगे कि गर्मी में बिल्कुल भी नहीं आना। आप लोग अगर आना चाहते हो तो मेरी वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको पूरा एक्सप्लोर करा दिया है। इस बार कुछ खास नया नहीं है कि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। मेरी मेहनत तो देख ही लो ना दोस्तों, बहुत है। और साथ में हाँ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सपोर्ट करो ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, रखिए अपना ध्यान, जय हिंद जय भारत।